हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है रूलर्स एंड द बिल्डिंग्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर वन को शो देखिए, यहाँ पे है ना, ये पिक्चर शो किया जा रहा है कि द कुतुब मीनार इज अ 5-स्टोरी बिल्डिंग। ये 5 मंजिला बिल्डिंग है कुतुब मीनार जो है। द बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन यू सी आर अंडर इट्स फर्स्ट बालकोनी। द फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्टेड है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये जो आप यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं है ना, ये फर्स्ट फ्लोर का ही है, ये फर्स्ट बालकोनी का ही है और इसको बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। बाकी इसके ऊपर इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया। उसके बाद इसको अर्थक्वेक आया था, तो अर्थक्वेक के कारण इसका पहले जो है 4-स्टोरी बिल्डिंग ही था, ठीक है, 4 मंजिला बिल्डिंग था पहले, अभी जो है 5 मंजिला है। तो पहले 4 मंजिला था, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर बनाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, उसके बाद का 3 फ्लोर बनाया गया इल्तुतमिश के द्वारा। फिर एक बार भूकंप आया था, ठीक है, अर्थक्वेक आया था और लाइटनिंग भी आया था, जिसके कारण से क्या हुआ कि इसका एक फ्लोर गिर गया नीचे, ठीक है। तो अब बन गया 4 से बन गया 3। तो इसके बाद फिर यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 फ्लोर और बना दिया गया। मतलब एक फ्लोर जो रिपेयर कराया गया पुराने वाला जो टूटा था उसका, और एक फ्लोर अपने तरफ से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। तो इस तरह से इसमें 5 फ्लोर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिगर वन शो द फर्स्ट बालकोनी ऑफ कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक हैड इट कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1199। तो कहा जा रहा है कि फिगर वन में जो शो किया गया कुतुब मीनार का फर्स्ट बालकोनी है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था 1199 में। हालांकि ये पहले जैन मंदिर था, इसको तोड़ करके बनाया गया था। नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकोनी बाय द स्मॉल आर्केड एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइंस कैन सी थ्रू टू मैन इंस्क्रिप्शन अंडर द बालकोनी दीज आर इन अरेबिक। तो कहा जा रहा है कि इसके नीचे कुछ कुछ लिखा गया है ना, यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं ये अरेबिक में लिखा गया है, जो भी यहाँ पे लिखा गया है ना, यहाँ पे जो है इमेज में ये कुतुब मीनार का इमेज है, ठीक है। तो वही यहाँ बताया गया कि दीज आर इन अरेबिक। नोटिस द सर्फेस ऑफ मीनार इज कर्व्ड एंड एंगुलर। तो यहाँ पे जो मीनार का सर्फेस है कर्व्ड है, एंगुलर है, ठीक है। प्लेसिंग एंड इंस्क्रिप्शन इन सच स्पेस सर्फेस रिक्वायर्ड ए ग्रेट प्रिसीजन। तो कहा जा रहा है कि ऐसे जगह पे इंस्क्रिप्शन बनाना, ऐसे जगह पे कुछ लिखना काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है। ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क। तो जो ज़्यादा मतलब कि स्किल्ड है, जो ज़्यादा इस मामले में ज़्यादा जिसको नॉलेज है, वही पर्सन इस तरह का बना सकता है। रिमेंबर दैट देयर वर फ्यू बिल्डिंग्स व्हिच आर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक अराउंड 8 ईयर्स अगो। तो कह रहा है कि 800 साल पहले काफ़ी कम ऐसे इमेज थे या फिर कम ऐसे स्टोन या ब्रिक के बने हुए बिल्डिंग थे। व्हाट डू हैव बीन इंपैक्ट द बिल्डिंग ऑफ द कुतुब मीनार ऑन द दरबार सिंह 13th century। तो कहा जा रहा है कि जिस समय काफ़ी कम पत्थर के या फिर ब्रिक्स के बने हुए बिल्डिंग होते थे, उस समय कुतुब मीनार जैसा बड़ा इमेज बनाने से, तो जो इसको ऑब्जर्वर था, जो इसको देखने आता था, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा उसके बारे में सोचिए। सब यही सोचता होगा कि कितना महान राजा है, इतना बड़ा बिल्डिंग बनवा दिया। बिटवीन द 8th and 18th century किंग्स एंड देयर ऑफिसर्स बिल्ट 2 kinds ऑफ स्ट्रक्चर। तो कहा जा रहा है कि 8th से 18वीं शताब्दी के बीच में देखा जाए तो राजा और उसके ऑफिसर के द्वारा कई तरह के स्ट्रक्चर बनाए गए। द फर्स्ट वेयर फोर्ट पैलेसेज गार्डन रेसिडेंस एंड टॉम्स। तो कहा जा रहा है कि सबसे पहला जो था उसमें फोर्ट यानी महल, पैलेस, गार्डन, रेसिडेंस, टॉम्ब, सेफ प्रोटेक्टेड एंड गार्डिशियस प्लेस ऑफ रेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। द सेकंड वेयर स्ट्रक्चर मीन फॉर पब्लिक एक्टिविटी। तो पहला तो हो गया वो राजा अपने लिए बनाता था ये सब, और दूसरा जो था मॉस्क बनाना, टेम्पल बनाना, कहा जा रहा है कि पब्लिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग टेम्पल, मॉस्क, टैंक, वेल, ये सब बनाना। किंग्स वेर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट। कहा जा रहा है कि राजा को उसके काम के लिए, मतलब कि राजा से उम्मीद रखा जाता था कि वो अपना काम को पूरी तरीके अच्छी तरीके से निभाएगा। एंड मेकिंग अ स्ट्रक्चर फॉर देयर यूज एंड कम्फर्ट, रूलर होप टू विन देयर प्रेज। तो कहा जा रहा है कि उसी तरीके से स्ट्रक्चर बना करके, डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह बना करके राजा जो है अपने जनता से तारीफें लूटना चाहता था। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज ऑल्सो कैरिड आउट बाई द अदर्स। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दूसरे लोगों के द्वारा भी किया जाता था, खास करके मर्चेंट के द्वारा भी किया जाता था। दे बिल्ड टेम्पल, मॉस्क एंड वेल्थ। तो उनके द्वारा मंदिर, मस्जिद, कुआं वगैरह बनाया था। हाउ एवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर लार्ज मैंसन्स ऑफ मर्चेंट है सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम द 18th century। यहाँ पर जैसे है कि लेबर फॉर द आगरा फोर्ट, यहाँ बताया कि बिल्ड बाई अकबर, द अकबर आगरा फोर्ट रिक्वायर 2000 stone cutters, 2000 cement एंड लाइम मेकर्स एंड 8000 laborers। तो एक आगरा फोर्ट है आगरा में, ठीक है, ताजमहल से ही कुछ दूर पे है। तो ये क्या था, मुगल लोगों का अपना घर था, रेसिडेंस के रूप में वर्क करता था। तो इसको बनाने के लगभग 2000 stone cutters, 2000 cement और लाइम मेकर लाए गए थे, 8000 laborers लाए गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि इंजीनियरिंग स्किल एंड कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जैसे एक स्टेपवेल के बारे में बताया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रानी की बावरी, इसको रानी की भाव भी बोला जाता है। 100 रुपये का जो नया वाला नोट है उसके पीछे जो इमेज आपको दिखता है वो रानी की भाव का ही इमेज है। तो ये क्वीन स्टेपवेल है, मतलब कि इसका हिंदी इंग्लिश में मतलब निकाला जाए तो क्वीन स्टेपवेल एक ऐसा स्टेपवेल जो रानी यूज करती थी। ये कहाँ है, तो लोकेटेड इन बूंदी राजस्थान, इन द लार्जेस्ट अमंग द 50 स्टेपवेल्स डेट वर बिल्ट टू मीट द नीड फॉर वाटर। तो कहा जा रहा है ऐसे 50 स्टेपवेल हैं, ठीक है। तो एक्चुअली आई थिंक वो जो था गुजरात में था, ठीक है, जो रानी की भाव जो वहाँ है 100 रुपये के नोट पे वो गुजरात का है, यहाँ राजस्थान का किसी और के बारे में बात किया जा रहा है।
तो कहा जा रहा है कि ये भी काफ़ी एक स्ट्रक्चरल ब्यूटी यहाँ पे, आर्किटेक्चरल ब्यूटी यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये सबसे बड़ा है उस सारे स्टेप वेल में जो उस समय बनाया गया था, ठीक है। और ये बनाया कब गया था, तो 1699 में इसको बनाया गया था, ठीक है। और कहाँ के, तो बाय द रानी नाथावत जी, द क्वीन ऑफ राजा निरुद्ध सिंह ऑफ बूंदी, ठीक है, बूंदी के राजा के द्वारा इसको बनाया गया था। वो किसी और, मतलब 100 रुपये के नोट के पीछे जो कोई और रानी की भाव है, ठीक है, लेकिन उसको भी क्वीन स्टेप बिल्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग स्किल एंड कंस्ट्रक्शन, तो मोनूमेंट प्रोवाइड एन इनसाइट इन टू टेक्नोलॉजी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। तो मोनूमेंट से हम लोग ये मिलता है कि उस समय क्या टेक्नोलॉजी रहा होगा कंस्ट्रक्शन के लिए। टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जाम्पल, का जैसे रूफ को ही देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स फॉर अ स्लैब ऑफ स्टोन अक्रॉस फोर वॉल्स, बट द टास्क हैज बिकम डिफिकल्ट इफ यू वांट टू मेक अ लार्ज रूम विद एलाबोरेट सुपर स्ट्रक्चर। तो कहा जा रहा है कि जैसे रूम के छत को देख लीजिए, आजकल जैसे हम लोग बनाते हैं उस तरीके से नहीं बनता था, उस समय बड़े बड़े सुपर स्ट्रक्चर बनते थे, है ना, तो उसके लिए ज़्यादा टेक्निक की जरूरत होता था। दिस रिक्वायर मोर सोफिस्टिकेटेड स्केल। बिटवीन द 7th and 10th century आर्किटेक्ट स्टार्टिंग मेकिंग मोर रूम्स डोर्स एंड विंडो टू बिल्डिंग्स। तो कहा जा रहा है कि 7th और 10th century की बात किया जाए, तो उस समय जो उस समय के जो आर्किटेक्ट थे ज़्यादा रूम बनाने लगे, है ना, रूम में ज़्यादा दरवाजा रखने लगे। पहले एक दरवाजा होता था, तब वहाँ पर 2-3 दरवाजा होने लगा एक ही रूम में, ठीक है, विंडो होने लगा बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा। रूफ्स डोर्स एंड विंडो वर स्टील मेड बाय प्लेसिंग हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस 2 vertical columns। तो अभी भी जो है उसी तरीके से बनाया जाता था, बीम रख करके कि 2 ऐसे पिलर बना करके इसके बीच में बीम रख दो, तो इस तरीके से डोर विंडो वगैरह बनाया जाता था। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस 2 vertical स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड ट्रे बिट, ठीक है, या फिर कॉरबेल्ड, इसको क्या बोलते हैं, ट्रे बिट या फिर कॉरबेल्ड बोलते हैं। बिटवीन द 8th and 13th century द ट्रे बिट स्टाइल वाज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। तो 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में देखा जाए तो ट्रेबिट स्टाइल यानी कॉर्बेल्ड स्टाइल जो था, ठीक है, जिसमें 2 बीम को रखा जाता था, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बीम में बीम को रख दिया जाता था, ठीक है, इसका यूज किया जाएगा टेम्पल मॉस्क टॉम्ब ये सब बनाने में, ठीक है, या फिर जो स्टेपल से रिलेटेड बिल्डिंग था उसको बनाने में, जैसे आप फिगर 2.8 में देख सकते हैं, स्क्रीन इन कुबतुल इस्लाम मॉस्क। तो ऐसा जो है कुबतुल इस्लाम मॉस्क है वहाँ पर दिल्ली में है, वहाँ पे इस तरीके का एंट्रेंस गेट बनाया जा रहा है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कॉर्बेल टेक्निक यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्किन, तो कॉर्बेल टेक्निक का यूज कैसे किया जाता था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 vertical columns पहले बनाया जा रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर एक बड़ा सा कॉलम रखा जा रहा है इस तरीके का, तो वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th century। तो अर्ली 11th century टेम्पल कंस्ट्रक्शन कैसे होता था उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो कंदरिया महादेव टेम्पल, ठीक है, डेडिकेटेड टू शिव वाज कंस्ट्रक्टेड 1999 बाई किंग धंगदेव ऑफ चंदेल डायनेस्टी। तो चंदेल डायनेस्टी के किंग धंगदेव के द्वारा 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव टेम्पल बनाया गया था जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। फिगर 3 बीज द प्लान ऑफ द टेम्पल। यहाँ पे जो फिगर आपको देख रहा है ये टेम्पल का प्लान है इस तरीके का। यहाँ पे जो फिगर है ये वाला जो फिगर है टेम्पल का प्लान है, ठीक है। एन ऑर्नामेंटेड गेटवे लेट विद इंटरेस्ट एंड द मेन हॉल मानी महामंडप है डांसेज और परफॉर्म द इमेज ऑफ चीफ टीटी वाज केप्ट इन मेन स्ट्रक्चर। तो जैसे यहाँ पे प्लान है कि एक गेटवे होगा काफ़ी सुपर स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, काफ़ी ज़्यादा सजाया हुआ, ठीक है, उसके अलावा एक हॉल होगा जैसे हॉल का है यहाँ पे है जहाँ पे डांस वगैरह या फिर और भी कई प्रोसेशन होता था। उसके अलावा फिर चीफ ड्यूटी का इमेज यहाँ पे रखा जाएगा अंदर में, ठीक है, इस तरीके से। दिस वॉज द प्लेस ऑफ वर्शिप हियर ओनली द किंग हिज इमीडिएट फैमिली एंड प्रीस्ट गैदर्ड। द खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेन रॉयल टेम्पल्स वेर कॉमनर्स वेर नॉट अलाउड एंट्री। तो उसे खजुराहो का टेम्पल था जहाँ पे कॉमन आदमी को नहीं जाने दिया जाता था। दिस टेम्पल्स वेर डेकोरेटेड विद इलेबोरेटेड कार्व स्ट्रक्चर। तो ये टेम्पल काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड होते थे। नेक्स्ट, यहाँ पे राजराजेश्वर टेम्पल एट तंजौर हैड द टॉलेस्ट शिखर अमंगस्ट द टेम्पल ऑफ इट टाइम। तो राजराजेश्वर टेम्पल जो है, ठीक है, आई थिंक ये उसी का इमेज है। तो कहा जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा शिखर था जब ये बनाया गया था, है ना, हालांकि अभी नहीं, अभी सबसे बड़ा शिखर मदुरई के मीनाक्षी टेम्पल का है। कंस्ट्रक्टिंग डज नॉट इज बिकॉज देयर नॉट क्रेन्स इन दोज डेज। कहा जा रहा है कि इसको कंस्ट्रक्शन करना आसान नहीं होता था क्योंकि उस समय कोई क्रेन नहीं होते थे, है ना, कि 90 टन के स्टोन को ऊपर तक पहुंचाया जाए, जैसे यहाँ पे जो ऊपर पे स्टोन रखा जाता था। टू हैवी टू लिफ्ट मैनुअली, और आदमी को एक हाथ, मतलब कि आदमी को उठाना मैनुअली इसको पहुंचाना भी लगभग इम्पॉसिबल ही था। सो द आर्किटेक्ट बिल्ड इंक्लाइंड पाथ टू टॉप ऑफ द टेम्पल। तो इसलिए क्या होता था, आर्किटेक्ट टेम्पल के टॉप से ऐसे इंक्लाइंड पाथ काफ़ी लंबे दूर तक बनाते थे, करीब 5-6 गाँव चला जाता था उसमें, है ना, एक तिरछा रास्ता ऐसे बनाया जाता था आर्टिस्ट के द्वारा, आर्किटेक्ट के द्वारा, ठीक है। प्लेसेड द बोल्डर एंड रोल्ड इट एट द टॉप। तो कहा जा रहा है कि उसके ऊपर जो पत्थर था उसको रख करके रोल करते थे, ऐसे घुमाते घुमाते ले जाते थे। द पाथ स्टार्टेड मोर देन 4 किलोमीटर अवे सो दैट इट नॉट टू बी लेट स्टिप। तो कहा जा रहा है कि पाथ जो है 4 किलोमीटर आगे से जैसे चालू होता था, ठीक है। दिस वॉज डिसमेंटल्ड आफ्टर द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड। जब टेम्पल बन जाता था तो 4-5 किलोमीटर का रास्ता जो बनाया जाता था उसके लिए, है ना, यहाँ से मान ली कि ऐसे 3-4 किलोमीटर ले जाया गया है कुछ बनाया गया, तो उसको डिसमेंटल, उसको हटा दिया जाता था। बट द रेसिडेंट ऑफ एरिया रिमेंबर द एक्सपीरियंस ऑफ कंस्ट्रक्शन और टेम्पल फॉर अ लॉन्ग टाइम।
इवन अ विलेज नियर द टेम्पल इज कॉल्ड चारूपल्लम द विलेज ऑफ द इंक्लाइन। तो कहा जा रहा है कि अभी भी जो जैसे वहाँ के आसपास का जो विलेज था उसका नाम उसी नाम पर रख दिया जाता, जैसे एक चारूपल्लम नाम का एक विलेज है टेम्पल का, चारूपल्लम का मतलब होता है विलेज ऑफ इंक्लाइन। तो मतलब कि इससे पता चलता है कि वो गाँव जो है इंक्लाइन वाले पोर्शन के अंदर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है कि टू टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिक डेवलपमेंट एंड नोटिसेबल फ्रॉम द 12th सेंचुरी के बाद की बात किया जाए तो यहाँ पे दो तरह के स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट हुए। द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर एंड विंडो वर समटाइम कैरिड बाय आर्क। तो कहा जा रहा है कि सुपर स्ट्रक्चर जो बनाया जाता था डोर या विंडो का, उसके ऊपर जो वजन था उसके लिए आर्क बनाया जाने लगा। ठीक है, द आर्किटेक्चरल स्टाइल कॉल आर्कुलेट। तो इसको मतलब इस तरह के आर्किटेक्चरल स्टाइल को क्या बोलते हैं, आर्कुएट बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के आर्किटेक्चरल स्टाइल को आर्कुएट बोलते हैं। यहाँ पे जो था इसको बोलते थे कॉर्बेल्ड या ट्रेबियट। ठीक है, इसमें क्या होता था कि दो वर्टिकल कॉलम के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल कॉलम रखा जाता था। लेट से लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। तो अब जो है लाइमस्टोन के सीमेंट का यूज किया जाने लगा कंस्ट्रक्शन में। दिस वाज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट व्हिच व्हेन मिक्स्ड विद द स्टोन चिप्स हार्डन इन टू कॉन्क्रीट। तो कहा जा रहा है कि जिसमें छोटे छोटे पत्थर जब मिला दिए जाते थे, स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े मिला दिए जाते थे, ठीक है, तो कॉन्क्रीट की तरह काफ़ी हार्ड बन जाते हैं। दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर इजियर। तो इसके कारण से बड़े बड़े स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन आसान हो गया। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में कि पिक्चर है द आर्क ऑफ द की स्टोन द सेंटर ऑफ आर्क ट्रांसफर द वेट ऑफ सुपर बेस ऑफ द आर्क। तो जैसे यहाँ पे जो है ये जो भारी वजन है इसको पूरे आर्क पे, ये जो आर्क है उस पे रख दिया गया है, मतलब उसका लोड उस पे दे दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेंटिंग है फ्रॉम द अकबरनामा डेटेड 1595 शोइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर गेट एट आगरा फोर्ट। तो आगरा फोर्ट के आगे एक गेट बनाया जा रहा है, उसका पेंटिंग है किस तरीके से बनाया, देख सकते हैं कि आप इंक्लाइनेशन इस तरीके से मजदूर को वहाँ पे चढ़ाया जाता था। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे द आर्क डिटेल फ्रॉम अलाई दरवाज़ा, कुबतुल इस्लाम मोस्क के अंदर ही एक अलाई दरवाज़ा है। ठीक है, कुतुब मीनार के पास ही, तो उसका एंट्रेंस गेट इस तरीके का आर्क वाला पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो बिल्डिंग टेम्पल मोस्क एंड टैंक। तो टेम्पल मोस्क और टैंक कैसे बनाया जाता था, तो टेम्पल एंड मोस्क वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज देयर प्लेस ऑफ वर्शिप। तो टेम्पल और मोस्क को काफ़ी ब्यूटीफुली बनाया जाता था क्योंकि वो प्लेस ऑफ वर्शिप हुआ करते थे। दे वर ऑल्सो मीन्ट ऑफ डेमोस्ट्रेटिंग द पावर। तो इससे जो है अपना पावर दिखाने का भी मौका मिलता था लोगों को, मतलब कि जो राजा थे अपना पावर वेल्थ ये सब दिखाने का। टेक द एग्जाम्पल ऑफ राजराजेश्वर टेम्पल, जैसे राजराजेश्वर टेम्पल का एग्जाम्पल है। एंड इंस्क्रिप्शन मेंशन दैट इट वाज बिल्ट बाय किंग राजराजदेव फ्रॉम द वर्शिप ऑफ इज गॉड राजराजेश्वरम। तो कहा जा रहा है कि इसमें राजराजेश्वर टेम्पल के बारे में बताया गया है, चंदेल डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिला जिससे पता चलता है कि किंग राजा देव के द्वारा बनाया गया था राजराजेश्वरम देवता के रूप, मतलब उनके पूजा के लिए। नाउ हाउ द नेम्स ऑफ रूलर एंड द गॉड वेयर वेरी सिमिलर। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक केयर करने वाली बात है कि रूलर और उसके मतलब गॉड जो होते थे उसका नाम काफ़ी सिमिलर होते थे। किंग टुक द गॉड नेम बिकॉज इट वॉज ऑस्पिशियस एंड ही वॉन्टेड टू अपीयर लाइक अ गॉड। तो राजा जो है जानबूझ करके गॉड का नाम चुन लेता था, यहाँ पे जो भगवान का नाम होता था उसको अपना नाम रख लेता था ताकि लोग उसमें ज़्यादा विश्वास रखें। थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड ऑनर्ड अनदर। तो कहा जा रहा है कि उस समय कहा जाता था कि रिचुअल के सहारे यानी कि जो पूजा पाठ किया जाता है राजा के द्वारा, तो एक गॉड जो है मतलब कि राजा को एक गॉड की तरह देखा जाता है, दूसरे गॉड को ऑनर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि द मुगल एम्पायर शाहजहां क्रॉनिकलर डिक्लेयर्ड दैट रूलर वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द वर्कशॉप ऑफ द वर्कशॉप ऑफ एम्पायर एंड रिलीजन। तो कहा जा रहा है कि जैसे रॉयल आर्किटेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है कि शाहजहां का एक क्रॉनिकलर था, मुगल एम्पायर शाहजहां के समय का एक क्रॉनिकलर था। क्रॉनिकलर मतलब जो क्रोनोलॉजी लिखता है राजा का, कौन सा राजा पहले आया, पहले क्या प्रोसेस हुआ, ये सब उसके द्वारा जो बताया कि रूलर जो होता था, राजा जो होता था, आर्किटेक्ट ऑफ द वर्कशॉप ऑफ द एम्पायर एंड रिलीजन। तो उस एरिया में जो भी जो एम्पायर चलता था, है ना, जो साम्राज्य था उसका वो आर्किटेक्ट होता था, मतलब किस तरीके शासन व्यवस्था चलेगा उसका वो आर्किटेक्ट होता था जो रूलर होता था। द लार्जेस्ट टेम्पल वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग। जो बड़े बड़े जो मंदिर होते राजा के द्वारा बनवाए जाते थे। द अदर लेसर डिटीज इन द टेम्पल वेयर गॉड एंड गॉडेज ऑफ द अलाइज एंड सबॉर्डिनेट ऑफ द रूलर्स। कहा जा रहा है कि वहीं मूर्ति और भी कई मूर्ति वहाँ पर रखा जाते थे मंदिर में, तो राजा के अंदर जो सामंत होते थे उनके देवी देवता का मूर्ति वहाँ पर रखा जाता था। द टेम्पल वॉज मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग्स एंड हिज एलाइज। तो कहा जा रहा है कि टेम्पल एक तरह से मिनिएचर वर्ल्ड के रूप में माना जाता, छोटे मोटे दुनिया होता था, और बोला था कि राजा यहाँ का शासन करता है। द वर्शिप देयर डिटीज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल, इट सीम्स दैट दे ब्राउट द जस्ट रूल ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ। मुस्लिम सुल्तान एंड पादशाह डिडंट क्लेम द इनकार्नेशन ऑफ गॉड, बट पर्सियन कोर्ट क्रॉनिकल डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शैडो ऑफ द गॉड। तो कहा जा रहा है मुस्लिम सुल्तान अपने आप को भगवान के रूप में तो नहीं यहाँ पे शो किया कि हम ही भगवान हैं, बल्कि वो अपने आप को शैडो ऑफ द गॉड के रूप में शो किया। एन इंस्क्रिप्शन इन द कुबतुल इस्लाम मोस्क एक्सप्लेन दैट गॉड चूज अलाउद्दीन एज अ किंग बिकॉज हियर द क्वांटिटीज ऑफ मोसेज एंड सोलोमन। तो कहा जा रहा है कि एक कुबतुल इस्लाम मोस्क में जो है यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन लिखा गया जिसमें बताया गया है कि भगवान जो अलाउद्दीन को राजा इसलिए चुने हैं क्योंकि उसमें सोलोमन का क्वालिटी है, मोसेज का क्वालिटी है, मतलब कि जो मोसेज और सोलोमन का है मतलब काफ़ी ब्रेव, ठीक है,
और जो कानून के शासन करता है, द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ। तो कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लॉ गिवर और आर्किटेक्ट तो भगवान है, लेकिन ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ चॉस एंड क्रिएटेड ऑर्डर एंड सिमेट्री। यहाँ पे एक प्लान दिखाया गया, प्लान ऑफ जामा मस्जिद बिल्ड बाई शाहजहाँ इन इज न्यू कैपिटल शाहजहानाबाद। तो पहले दिल्ली के आसपास के कुछ इलाके को शाहजहानाबाद बोला जाता था, शाहजहाँ के द्वारा ये जामा मस्जिद बनाया गया जो आज भी आप देख सकते हैं आप इसको, है ना। यहाँ पे एक डायरेक्शन दिखाया गया है किबला, यहाँ पे एक किबला डायरेक्शन। तो एक्चुअली किबला का मतलब इंडिया में वेस्ट होता है, लेकिन किबला का लिटरल मीनिंग होता है कि मक्का की तरफ का डायरेक्शन। तो यदि कोई अमेरिका में तो उसके लिए किबला ईस्ट है, ठीक है। तो मक्का की तरफ के डायरेक्शन को किबला बोलते हैं, तो इंडिया से मक्का वेस्ट में, तो इसलिए इंडिया में वेस्ट को किबला बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि सच एज ए न्यू डायनेस्टी केम टू पावर, किंग वांटेड टू एम्फेसाइज देयर मोरल राइट टू बी रूलर्स, कंस्ट्रक्टिंग प्लेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइडेड रूलर्स विद द चांस ऑफ प्रोक्लेम देयर क्लोजनेस विद गॉड। तो कहते हैं जैसे जैसे नए रूलर आते थे तो उनको एक मौका मिलता था एक नया टेम्पल बनाने का, ताकि लोगों का विश्वास उसमें और ज़्यादा बना रहे। स्पेशली इंपॉर्टेंट इन एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज, खास करके ऐसे एरिया में जहाँ पे पॉलिटिकल चेंज काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। रूलर्स ऑल्सो ऑफर्ड पेट्रोलियम टू लर्न एंड पायर्स एंड द ट्रेड टू ट्राई टू ट्रांसफॉर्म देयर कैपिटल एंड सिटीज इनटू ग्रेट कल्चरल सेंटर। तो कहा जा रहा है कि रूलर जो थे, राजा जो थे, जो विद्वान आदमी थे, उनको पेट्रोलियम यानी कि उनको संरक्षण प्राप्त करते थे, और अपना जो उनका कैपिटल था उसको एक महान कैपिटल के रूप में, ग्रेट कल्चरल सेंटर के रूप में डेवलप करना चाहते थे। यहाँ पे एक छोटा सा दिखाया गया इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, द पर्शियन टर्म अबध पॉपुलेटेड प्रोस्पेरस एंड आबादी फ्लोरिशिंग आर बोथ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अब मीन्स वाटर। तो कहा जा रहा है कि अब मतलब होता है वाटर, ठीक है। तो पर्शियन वर्ड अबध यानी आबाद जिसको बोलते हैं, सॉरी एक होता आबाद है ना, बोलते हैं ना आबाद रहो, एक होता आबादी, आबादी का मतलब क्या होता है, अब से आया है दोनों, अब का मतलब होता है वाटर और आबाद कहाँ से आया है, तो मतलब कि प्रोस्पेरस रहो, आबाद रहो मतलब प्रोस्पेरस रहो, तो या फिर पॉपुलेटेड रहो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आबाद, तो ये भी पानी से बढ़ाया है, तो मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कि पानी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता था, ठीक है। तो एक्चुअली पर्शिया वाला जो रीजन था वहाँ पे पानी होता नहीं था, वहाँ पे कम्प्लीटली बालू ही बालू था, है ना, पूरा रेगिस्तान का इलाका था, इसलिए उन लोग के लिए पानी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है। एक्चुअली है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, लेकिन उन लोग के लिए कुछ ज़्यादा हो जाता था, है ना, इसलिए पानी को लोग ज़्यादा यहाँ पे महत्व देता था। तो क्या जैसे जैसे न्यू रूलर आते थे, नए नए मंदिर बनाते थे, इट वॉज वाइडली बिलीव दैट रूल ऑफ जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी वेयर द हैवेंस वुड नॉट विदाउट रेन। तो कहा जा रहा है कि इट वुड वाइडली बिलीव, ऐसा माना जाता था कि द रूल ऑफ अ जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी वेयर द हैवेंस वुड नॉट विदहोल्ड रेन, एट द सेम टाइम मेकिंग प्रीसियस वाटर अवेलेबल बाय कंस्ट्रक्टिंग टैंक एंड रिजर्वेयर स्लाइटली प्रेज। तो कहा जा रहा है कि उस समय भी रिजर्वेयर बनाना, बड़े बड़े टैंक बनाना तारीफ होता था उससे। सुल्तान तुतमिश वन यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज रिजर्वेयर जस्ट आउटसाइड दिल्ली, दिल्ली एक कुन्हा। तो कहा सुल्तान तुतमिश जो था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, उसके बाद बना राजा बना था, उसका काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट हुआ था एक बड़ा रिजर्वायर बनाने के बाद। रिजर्वायर कहाँ बनाया गया था, तो दिल्ली के बाहर बनाया गया था, दिल्ली एक कुहना के नाम से, ठीक है। देहली ये यहाँ पे देखिएगा, देहली लिखा है, ठीक है। तो देहली एक कुहना के नाम से बनाया गया था। इट वॉज कॉल्ड द हौज ए सुल्तानी यानी किंग ऑफ रिजर्वायर, ठीक है। तो दिल्ली एक कुहना को हौज ए सुल्तानी भी बोला जाता है यानी किंग ऑफ रिजर्वायर। कैन यू फाइंड मैप इन, तो पिछले चैप्टर में एक मैप था उसमें इसको शो किया गया था। रूलर ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड रिजर्वायर बिग एंड स्मॉल। तो कहा जा रहा है कि रूलर्स के द्वारा अधिकांशतः टैंक और रिजर्वायर क्रिएट किया जाता था, बड़ा हो या छोटा हो उससे मत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टैंक और रिजर्वायर क्रिएट किया जाता था, ठीक है, आम लोगों के द्वारा। समटाइम दिस टैंक्स एंड रिजर्वायर सर पार्ट ऑफ टेम्पल, कभी कभी जो टैंक और रिजर्वायर थे टेम्पल या मोस्क के पार्ट होते थे, ठीक है। जैसे जामा मस्जिद के अंदर भी एक छोटा सा टैंक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पानी का एक टैंक है यहाँ पे। तो उसी तरह से मंदिर के अंदर भी ये आम बात है, गुरुद्वारा के पास भी टैंक होता था, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हरमंदिर साहब जो गोल्डन टेम्पल है, चारों तरफ से एक टैंक से घिरा हुआ, जिसको होली सरोवर के नाम से जानते हैं, पवित्र सरोवर बोला जाता है। नेक्स्ट भाई वी आर टेम्पल टारगेटेड, टेम्पल को टारगेट क्यों किया जाता था, जैसे बाहर से कोई भी लुटेरा आया यहाँ पे जो बाद में शासक बन गया, ठीक है, टेम्पल को टारगेट क्यों करता था, क्या रीजन था। बिकॉज किंग बिल्ड टेम्पल टू डेमोस्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ। तो कहा जा रहा है कि किंग जो टेम्पल बनाने का मेन पर्पस होता था राजा का, ठीक है, कि गॉड के प्रति उनका डिवोशन दिखाना, अपना पावर और वेल्थ दिखाना। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक द अनदर किंगडम दे ऑफन टारगेटेड दिस बिल्डिंग। तो कहा जा रहा है कि इसीलिए जो है जब भी कोई दूसरे राज्य में हमला करता था तो अधिकांश टेम्पल को टारगेट करता था। इन द अर्ली 9th सेंचुरी व्हेन द पांडियन किंग श्रीमर श्रीबल्लभ इन्वेडेड श्रीलंका एंड डिफेटेड द किंग सेन वन, द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकलर धमकती नोटेड ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स स्टैचू ऑफ बुद्ध एंड मेड इंटायरली गोल्ड इन द जेवेल प्लेस एंड द गोल्डन इमेज इन द वेरियस मोनास्ट्रीज ऑल ही सीज। तो कहा जाए जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक पल्लव पांडे किंग था, ठीक है, पांडे का राजधानी मदुरई हुआ करता था, एक पांडे किंग था जिसका नाम था श्रीमारा श्री बल्लभ, ठीक है, श्रीलंका को इन्वेड किया था, वहाँ के राजा को हराया और उसके राजा में राजा मतलब उसके राज्य में जितना भी सोने का मूर्ति था भगवान बुद्ध का उसको वहाँ से लेकर चला गया।
द ब्लो ऑफ द प्राइड ऑफ सिन्हलीज रूलर हैड टू बी अवेंज्ड एंड नेक्स्ट सिन्हलीज रूलर सेंट टू ऑर्डर द जनरल टू इन्वेड मदुरई द कैपिटल ऑफ पांड्या। तो कहा जा रहा है कि एक तरह से प्राइड चला गया वहाँ के रूलर का, श्रीलंका का जो रूलर था उसका एक तरह से प्राइड चला गया। तो इसके बाद इसको बदला लेने के लिए इसको रिवेंज में क्या हुआ कि जो नेक्स्ट सिंहली रूलर था सेन टू है ना, सेन वन को हराया था ना, सेन टू जो क्या किया अपने जनरल को कहा कि मदुरई जाके इन्वेड करो और पांड्या के कैपिटल से वहाँ से सामान लेके आओ। द बुद्धिस्ट क्रॉनिकल नोटेड एक्सपेडिशन मेक अ स्पेशल रिपोर्ट टू फाइंड एंड रिस्टोर द गोल्डन स्टैचू ऑफ द बुद्ध। तो कहा जा रहा है कि उनके द्वारा लिखा गया, जो क्रॉनिकलर थे उनके द्वारा लिखा गया कि हालांकि मूर्ति रिस्टोर हुआ है ना, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया गया। सिमिलरली इन द अर्ली 11th सेंचुरी व्हेन द चोल किंग राजेंद्र वन बिल्ट अ शिव टेम्पल इन हिज कैपिटल फील्ड विद हिज प्राइज्ड स्टैचू सीज फ्रॉम डिफीटेड रूलर। तो कहा जा रहा है कि जैसे उसी तरह से देखा है, चोल किंग राजेंद्र वन थे जो शंकर भगवान की मूर्ति बनाए थे, शिव टेम्पल बनाए थे अपने कैपिटल में, तो काफ़ी अपने प्राइड मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्राइड से है ना, फील्ड विद हिज प्राइज्ड स्टैचू सीज फ्रॉम डिफीट रूलर्स एंड इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूड अ सन पेडेस्टल फ्रॉम द चालुक्य, गणेश स्टैचू एंड सेवरल स्टैचू एट दुर्ग ऑफ दुर्गा एंड नंदी स्टैचू फ्रॉम ईस्टर्न चालुक्य एंड इमेज ऑफ भैरव एंड भैरवी फ्रॉम द कलिंग्स ऑफ ओडिशा एंड काली स्टैचू फ्रॉम द पाल्स ऑफ बंगाल। तो कहा जा रहा है कि इस तरीके से इतने सारे मूर्ति को अपने मंदिर में वो लगाएं, मतलब कि दूसरे जगह से लाए हुए मूर्ति को वो लगाएं। सुल्तान मोहम्मद गजनी कंटेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र वन, जो सुल्तान मोहम्मद गजनी था राजेंद्र वन का जो कंटेम्प्रेरी था, ड्यूरिंग हिज कैंपेन ही सब कंटिनेंट अटैक द टेम्पल ऑफ डिफीटेड किंग एंड लूटेड देयर वेल्थ एंड आइडल्स। तो कहा जा रहा है कि वो भी टेम्पल को काफ़ी ज़्यादा अटैक किया है ना, और यहाँ से मूर्ति और धन संपत्ति सब चुरा करके ले गया। सुल्तान महमूद नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम। तो कहा उस समय सुल्तान महमूद गजनी जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर नहीं था, बट वे डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स, टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके खास करके सोमनाथ के टेम्पल को लूट करके ही ट्राई टू विन क्रेडिट एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम को अपने आप को काफ़ी बड़ा हीरो समझा है ना, मतलब कि इस्लामी ग्रेवत में अपने आप को हीरो शो किया। इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ मिडिल एजेज मोस्ट रूलर डिस्प्लेड देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग द लूटिंग द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफीटेड रूलर्स। तो कहा जा रहा है कि अधिकांशतः उस समय के जितने भी मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे मिडिल एज में, सब लोग क्या किए, मंदिर को लूट करके अपना धन संपत्ति जोड़े और यहाँ के राजा बने किसी न किसी तरीके से। आगे बढ़ते हैं गार्डन टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स के बारे में, यानी कि गार्डन यानी कि बगीचे, टॉम्ब, फोर्ट। तो अंडर द मुगल आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। तो मुगल के ज़माने में आर्किटेक्चर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया। बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वाज पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन हिज। तो कहा जा रहा है कि ये सब जो अपने आर्क और आर्किटेक्चर में काफ़ी ज़्यादा इस समय काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, रुचि रखता था। तो बाबर अपने ऑटोग्राफी में लिखता है कि बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन। तो बाबर अपने ऑटोग्राफी में लिखा कि उसका रुचि है गार्डन को, मतलब कि फॉर्मल गार्डन बनाने में, प्लानिंग करने में। प्लेसेज विद इन रेक्टेंगुलर वॉल इनक्लोजर्स आर डिवाइडेड इनटू फोर क्वार्टर। तो कहा जा रहा है कि एक बाउंड्री के अंदर का जो जगह था उसको चार पार्ट में बांटा जाता था बाई आर्टिफिशियल चैनल, वहाँ पे आर्टिफिशियल नहर टाइप का इस तरीके का बनाया जाता था, जैसे यहाँ पे पेंटिंग आप देख रहे हैं है ना, पहले इसको चार पार्ट में बांटा आर्टिफिशियल चैनल के सहारे। दिस गार्डन फिर कॉल्ड चार बाग। तो ऐसे गार्डन को चार बाग बोला जाता है, यानी फोर गार्डन, बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर, क्योंकि जो चारों क्वार्टर यहाँ पे होते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से डिवाइड किए जाते हैं, एक जैसे होते हैं। बिगनिंग विद अकबर सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चार बाग वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर। तो कह रहे अकबर भी चार बाग बनाया था, उसके बाद जहांगीर के द्वारा भी चार बाग बनाया गया, शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया कश्मीर दिल्ली और दिल्ली में, कश्मीर आगरा और दिल्ली में चार बाग बनाया गया। देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशन, कहा जा रहा है और भी कई इनोवेशन हुए यहाँ पे, ठीक है। ड्यूरिंग द अकबर रेन फॉर इंस्पिरेशन अकबर आर्किटेक्ट टर्न टू द टॉम्ब ऑफ द सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तिमूर। तो कहा जैसे अकबर के आर्किटेक्ट में देखा, अकबर आर्किटेक्ट टर्न टू द टॉम्ब्स ऑफ सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तिमूर। तो जैसे उसका जो एंसेस्टर था तिमूर उसका टॉम्ब बनाया गया। द सेंट्रल लोबरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे पिस्ताक बिकॉम पोर्ट्रेट एस्पेक्ट ऑफ मुगल। तो कहा जा रहा है कि मुगल का जो आर्किटेक्ट होता था उसका एक इंपॉर्टेंट मतलब कि क्या होने लगा, तो बीच में डोम, ठीक है, बीच में एक डोम इस तरह से बनाया जाने लगा, और टॉल गेटवे जिसको पिस्ताक बोला जाता, जो गेटवे होता था काफ़ी लंबा होता जिसको पिस्ताक बोला जाता था। ये टॉम्ब ऑफ हिमायू है जो 1562 से 1671 के बीच में बनाया गया था। यहाँ पे जैसे आर्टिफिशियल चैनल में यहाँ पे पानी डाला जाता था, मतलब यहाँ पे पानी रहता था। फर्स्ट विजुअल हिमायू टॉम्ब, तो कह रहा है कि इस तरह के का जो टॉम्ब होता था, ठीक है, खास करके हिमायू टॉम्ब में देखने को मिलता था। टॉम्ब वॉज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ह्यूज फॉर्मेट चारबाग। तो जो टॉम्ब था है ना, जो टॉम्ब का जो मकबरा होता था वो चार बाग के बीचों बीच बनाया जाता था। बिल्ट इन द ट्रेडिशन ऑन एट पैराडाइज और हस्त बिहिस्त। तो कहा जा रहा है कि एक ट्रेडिशन था बनाने का उस टाइम में, तो इसको एट पैराडाइज बोलता था। इसमें क्या था कि सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय एट रूम्स, इसमें एक सेंट्रल होता था जिसके चारों तरफ आठ रूम हुआ करता था। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विथ रेड सैंडस्टोन एंड एज विथ व्हाइट मार्बल। तो जो बिल्डिंग है हुमायूं टॉम्ब, ये लाल सैंडस्टोन का बना गया और इसके किनारे पर व्हाइट मार्बल लगाया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ तहाँ व्हाइट मार्बल आपको दिख रहा है।
इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहां रेन द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वेर फ्यूज टुगेदर इन ग्रैंड हारमोनियस सिंथेसाइज। तो कहा जा रहा है कि शाहजहां के रेन में, मतलब शाहजहां के शासनकाल में कई इस तरीके के आर्किटेक्चर यहाँ पे डेवलप हुए, नए नए यहाँ पे क्या बोल सकते हैं उसको, नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाने लगे। हिज रेन विटनेस्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो उसके रेन में काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुआ, खास करके आगरा के आसपास और दिल्ली के आसपास। अ सेरेमोनियल हॉल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस दीवाने खास। तो कहा जा रहा है कि दीवाने खास वो आम, तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक पब्लिक सेरेमोनियल हॉल बनाया गया था जो पब्लिक और प्राइवेट ऑडियंस के लिए था। ठीक है, प्राइवेट ऑडियंस यानी कि राजा का कुछ खास ऑडियंस के लिए भी था और पब्लिक ऑडियंस के लिए था, इसी के लिए इसका नाम है दीवाने खास और आम। ठीक है, इसको काफ़ी ज़्यादा केयरफुली प्लान किया। डिस्क्राइब विद इन अ लार्ज कोर्टयार्ड, दिस कोर्ट्स वर आल्सो डिस्क्राइब चिहल सुतून और 40 पिलर हॉल्स। तो कहा जा रहा है कि ऐसे जो कोर्ट थे इसको चिहल सुतून के नाम से जाना था या फिर 40 पिलर हॉल्स के नाम से जाना जाता है। शाहजहां ऑडियंस हॉल्स वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क। तो शाहजहां का जो ऑडियंस हॉल था नॉर्मली मॉस्क की तरह बनाया जाता था। द पेडेस्टल ऑन व्हिच इज थ्रोन वाज प्लेस्ड वर फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज किबला। तो कहा जा रहा है कि जो जिस पेडेस्टल पर उसका थ्रोन गद्दी रखा जाता था, है ना, उसका डायरेक्शन किबला की तरह होता था, किबला की तरफ होता था। द आइडिया ऑफ किंग एज द रिप्रेजेंटेटिव गॉड ऑन अर्थ वाज सजेस्टेड बाय दिस आर्किटेक्चरल फीचर। और इस आर्किटेक्चरल फीचर में शो किया गया कि जो राजा है भगवान का अवतार है, मतलब अर्थ पे एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है, भगवान का दूत है। देन कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इंपीरियल कोर्ट वाज एम्फसाइज्ड बाय शाहजहां इन इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड रेड फोर्ट एट दिल्ली। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे कि द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस और इंपीरियल कोर्ट के बीच में एक कनेक्शन शो किया गया था रेड फोर्ट के द्वारा। ठीक है, वहाँ पे उसके द्वारा कोर्ट लगाया गया था। बिहाइंड द इंपीरियल थ्रोन वाज अ सीरीज ऑफ पित्रादुरा क्या होता है, तो कलर्ड हार्ड सैंडस्टोन प्लेस इन डिप्रेशन कार्ड इन द मार्बल और सैंडस्टोन। तो पित्रादुरा क्या होता है कि मार्बल या सैंडस्टोन का जो मूर्ति दीवार है उसमें हल्का सा कार्विंग करके उसमें कलर्ड हार्ड स्टोन वहाँ पे रखना, ठीक है, उसको पित्रादुरा बोलते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि बिहाइंड द इंपीरियल थ्रोन इंपीरियल का जो थ्रोन होता था उसके पीछे इसके पीछे पित्रादुरा बनाया जाता था। इनलेज द डिपिक्टेड ऑफ लेजेंडरी ग्रीक गोल्ड ऑर्फियस प्लेइंग द फ्लूट। इट वॉज बिलीव डेट ऑर्फियस म्यूजिक कुड काल्म फेरिसियस बीस्ट अंटिल दे कोएग्जिस्टेड टुगेदर पीसेबली। तो कहा जा रहा है कि पित्रादुरा बनाया जाता था जिसमें यह डिपिक्ट किया गया कि ग्रीक गॉड एक है ऑर्फियस एक ल्यूट बजा रहे, ल्यूट आई थिंक फ्लूट जैसा कुछ होता होगा उस समय। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां ऑडियंस हॉल एम टू कम्युनिकेट द किंग जस्टिस वुड बी ट्रीट द हाई एंड द लो एज इक्वल क्रिएटिंग अ वर्ल्ड वेर ऑल गुड लिव्ड इन हारमोनी। तो कहा जा रहा है कि शाहजहां का कंस्ट्रक्शन शाहजहां का जो ऑडियंस हॉल था उसका कंस्ट्रक्शन के पीछे मकसद यही था कि जो हर लेवल के लोग हैं, चाहे ऊंचे लोग हैं या नीचे लोग हैं, है ना, हाई या लो कोई भी तरह के लोग हैं, ठीक है, उनके उनसे राजा कम्युनिकेट कर सके और उनको जस्टिस प्रोवाइड कर सके। इन द अर्ली ईयर ऑफ रेन शाहजहां कैपिटल वाज एट आगरा। तो कहा जा रहा है शाहजहां कैपिटल शुरुआत में आगरा में था। वेर द नोबिलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। तो जहाँ पे रिवर यमुना के किनारे उसके लिए घर बनवाया गया जिसको आगरा फोर्ट के नाम से जानते हैं। दिस वेयर सेट इन द मिड्स ऑफ फॉर्मल गार्डन कंस्ट्रक्टेड इन द चारबाग फॉर्मेट। यहाँ भी चारबाग फॉर्मेट में गार्डन बनाया गया था। चारबाग गार्डन ऑल्सो हैज अ वेरिएशन द हिस्टोरियन डिस्क्राइब एज रिवर फ्रंट गार्डन। तो चारबाग गार्डन को रिवर फ्रंट गार्डन के रूप से भी जाना जाता है। इन दिस ड्वेलिंग वॉज नॉट लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ चारबाग बट इज एट क्लोज टू द बैंक ऑफ रिवर। तो कहा जा रहा है कि इसके किनारे पे रिवर बहता था, है ना। शाहजहां अडॉप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल। तो कहा जा रहा है कि शाहजहां जो रिवर फ्रंट गार्डन था, चारबाग गार्डन था, उसको ताजमहल के रूप में फिर बाद में मतलब डेवलप किया। ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चर एकम्प्लिशमेंट ऑफ दिस हेयर द व्हाइट मार्बल मोसोलियन वाज प्लेस्ड ऑन टेरेस। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक ऊंचे टेरेस पे यहाँ पे देख सकते हैं एक रेस्ट प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे एक रेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसके ऊपर एक मकबरा रखा गया है जो व्हाइट मार्बल का बना हुआ है और इसके साउथ में नदी है और उसके उधर चारबाग गार्डन है। तो आप ऐसा देख सकते हैं जैसे आप यहाँ हैं, इसके जस्ट पीछे यहाँ पे नदी फ्लो करती है और इसके पीछे चारबाग गार्डन है, इसके जस्ट पीछे नदी है और उसके पीछे जो है चारबाग गार्डन है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ ताजमहल आपको यहाँ है, पीछे ऐसे नदी है, यमुना रिवर यहाँ पे ऐसे टर्न करती है ऐसे, ठीक है, और इसी टर्निंग के पास यहाँ पे आगरा बसा हुआ है और यहाँ पे चारबाग गार्डन है, ठीक है, यहाँ पे चारबाग गार्डन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ताजमहल, यदि जाएंगे आप तो पीछे की तरफ जैसे आप इस एरिया पोर्शन में जाएंगे ताजमहल के पास यहाँ पे जाएंगे तो आपको जस्ट पीछे की तरफ नदी दिखाई देगा और उसके जस्ट इधर एक बड़ा सा गार्डन दिखाई देगा, अभी भी उसी वो एक चारबाग गार्डन है। एक्चुअली ताजमहल खुद भी एक चारबाग गार्डन की तरफ बनाया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एक इमेज दिखाया गया यमुना रिवर का, 1850 का मैप है शाहजहानाबाद का, शाहजहानाबाद यानी कि दिल्ली का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंपेरियर का रेसिडेंस है, वेयर इज इंपेरियर रेसिडेंस। द सिटी अपीयर टू बी वेरी क्राउडेड बट यू नोटिस द मैनी लार्ज गार्डन एज वेल एज। तो ये सिटी काफ़ी क्राउडेड दिख रहा है इमेज में, लेकिन इसमें कई गार्डन भी है, जैसे यहाँ पे गार्डन है, यहाँ पे गार्डन है, ठीक है,
तो इस तरीके से ये कैमरा, ये शाहजहानाबाद का इमेज है। शाहजहानाबाद उस समय दिल्ली के, अभी भी शाहजहानाबाद दिल्ली के पास है, तो उसमें मेन दिल्ली वही हुआ करता था जो बनाया गया था शाहजहाँ के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डेवलप दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म मीन टू कंट्रोल द एक्सेस एट नोबल साइड टू द रिवर्स इन दिस इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली द इंपीरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स लाइक द एल्डेस्ट सन दारा सिको वर गिवन एक्सेस टू द रिवर। तो कहा जाए कि जो इस एरिया में नदी बहता था उसमें काफ़ी कम लोगों को आने जाने का यहाँ पे सुविधा होता था। जैसे सबसे बड़े बेटे जो दारा सिको था शाहजहाँ का, उसी को सिर्फ एक्सेस था रिवर में जाने का। ऑल अदर हैड टू कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स इन द अर्ली सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना। और उस समय जो घर बनाया जाता था यमुना नदी से दूर बनाने के लिए बोला गया था राजा के द्वारा। नेक्स्ट रीजन एंड एम्पायर, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीजेज बिटवीन द 8th एंड 18th सेंचुरी देर वॉज अ कंसिडरेबल शेयरिंग ऑफ आइडियाज अक्रॉस रीजन। तो कहा जाए जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ा 8th और 18th सेंचुरी में, ठीक है, तो जो आइडिया शेयर मतलब कि रीजन के हिसाब से, जैसे साउथ इंडिया में किसी और तरीके से घर बनता था, नॉर्थ में किसी और तरीके से बनता था, दोनों अपना आइडिया शेयर किए। इन द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वेर अडोप्टेड बाय अनदर, एक रीजन का जो, एक राजा का जो ट्रेडिशन था दूसरे के द्वारा अडॉप्ट किया गया। इन विजयनगर फॉर एग्जाम्पल द एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर्स वेयर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय साइल ऑफ आर्किटेक्चर फाउंडेड ज्वाइनिंग सुल्तानेट ऑफ बीजापुर। तो जैसे कहा जा रहा है कि विजयनगर के एम्पायर में देखा जाए तो बीजापुर के एम्पायर से हाथी का डिफरेंट तरह का मूर्ति बनाने का सिस्टम वहाँ पर लाया गया। इन वृंदावन नियर मथुरा टेम्पल वेयर कंस्ट्रक्टिंग आर्किटेक्चर स्टाइल इट वेरी सिमिलर टू मुगल पैलेसेज इन फतेहपुर सीकरी। तो जो वृंदावन मथुरा में जो है वहाँ पर टेम्पल बनाया गया ऐसे आर्किटेक्चर स्टाइल में जो काफ़ी सिमिलर थे फतेहपुर सीकरी के मुगल पैलेस के हिसाब से। द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर डेट ब्रॉड डिफरेंट रीजन अंडर द रूल हेल्प इन क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक तरह से आर्टिस्टिक फॉर्म का क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ। मुगल रूलर्स वेयर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन अडेप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन बिल्डिंग। इन बंगाल फॉर एग्जाम्पल लोकल रूलर हैज डेवलप्ड अ रूफ दैट वाज डिजाइन टू रिजेंबल अ टैच्ड हट। तो कहा जा रहा है कि जैसे बंगाल में एक ऐसा बनाया गया था जिसमें झोपड़ी जैसा आकार दिया गया था। द मुगल लाइक दिस बांग्ला डोम, तो कह रहा है कि इसको बांग्ला डोम के नाम से जाना गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर में आई थिंक इसको मिलेगा। सो मच दे यूज द आइदर आर्किटेक्चर द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स आर आल्सो एविडेंट इन अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी मैनी ऑफ द बिल्डिंग्स शो द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल गुजरात एंड मालवा। ठीक है, तो गुजरात का आर्किटेक्चरल स्टाइल मिलता है अकबर के फतेहपुर सीकरी वाले बिल्डिंग में। इवन दो द अथॉरिटी ऑफ द मुगल रूलर्स वांटेड इन 18th सेंचुरी द आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप्ड अंडर द पेट्रोनेज वेयर कॉन्स्टेंटली यूज्ड एंड अडॉप्टेड बाय द रूलर्स व्हेनेवर दे ट्राई टू एस्टैब्लिश देयर ओन किंगडम। तो कहा जा रहा है कि मुगल आर्किटेक्चर तो डोमिनेट कर ही रहा था, ठीक है, हर जगह, लेकिन उसके अलावा भी जो लोकल रूलर थे वो भी अपना डिफरेंट तरीके का मतलब आर्किटेक्चरल स्टाइल अपना डेवलप करवाते थे। नेक्स्ट यहाँ पे एल्सवेयर में आज है कि चर्चेज टच द स्काई, तो अब बहुत सारे ऐसे चर्च का जिक्र यहाँ पे किया जो काफ़ी ऊंचे बनाए गए थे। फ्रॉम द 12th सेंचुरी ऑनवर्ड अटेम्प्ट बिगेन इन फ्रांस टू बिल्ड चर्चेज डेट वेयर टॉलर एंड लाइटर देन अर्लियर बिल्डिंग। ठीक है, दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल नोन एज गोथिक स्टाइल, इसको गोथिक स्टाइल बोला जाता है। इंडिया में भी कई गोथिक स्टाइल के आपको मतलब कि घर मतलब बिल्डिंग मिलेंगे। तो इंडिया में गोथिक स्टाइल की बिल्डिंग क्यों मिलने लगे, क्योंकि बाद में यूरोपियन का शासन यहाँ पे हो गया, फ्रेंच आए, इंग्लैंड आए, है ना। तो इसमें क्या होता है कि हाईली पॉइंटेड आर्क ऊपर में होता था, यूज टू स्टेनलेस स्टेंड ग्लास ऑफन पेंटेड विथ अ सीन फ्रॉम द बाइबल। तो इसमें अधिकांशतः बाइबल का सीन यहाँ पे पेंट किया जाता था। ठीक है, इसी तरह का एक चर्च है जिसका नाम है नोट्रेडम चर्च, जिसमें पिछले साल आग भी लग गया था। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं नोट्रेडम चर्च के बारे में। तो पिछले साल इसमें आई थिंक सितंबर के महीने में आग लग गया था नोट्रेडम चर्च में। आइए, तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें भी कोई यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स वगैरह नहीं है, तो इसलिए आज कोई कमेंट सेक्शन में बस इतना बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।